हाय फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाज किचन। आज इस वीडियो में मैं आपको मैगी चाट बनाना सिखाऊंगी। ये काफ़ी इजीली बन जाता है एंड बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सामने ही बेल बटन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मैंने यहाँ पर 2 मैगी का पैकेट लिया है, ये 10-10 रुपीज़ वाला है। मैं फर्स्ट इसे अच्छे से क्रश कर लूँगी। हमें बहुत ही अच्छे से इसे क्रश करना है, सबको इवेनली करना है। आप ये पैकेट के अंदर भी कर सकते हो या फिर बाउल में निकाल के भी कर सकते हो, आप जैसे कन्वीनियंट हो वैसे कीजिए। मैं पैकेट के अंदर कर रही हूँ। इसे अच्छे से क्रश करने के बाद हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। तो ये हो चुका है, अब मैं इसे यहाँ पर बाउल में निकाल लेती हूँ और जो इसके अंदर मसाला है वो मैं इसे बाद में यूज़ करूँगी, तो अभी मैं इसे साइड में रख देती हूँ एंड मैं दूसरे वाले को भी खोल के बाउल में निकाल लेती हूँ। और उसके बाद हमें इसे थोड़ा फ्राई करना है तेल में, बहुत ज़्यादा तेल में, डीप फ्राई नहीं करना है, सैलो फ्राई करना है। देखिए मैंने यहाँ पे पैन लिया है, अब मैं इसमें अराउंड 1 टीस्पून ऑयल ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा तेल नहीं लूँगी एंड इसे गर्म कर लेंगे। ये गर्म हो चुका है, अगर आपको पता नहीं चले गर्म हुआ है कि नहीं तो अपने हैंड से भी आप चेक कर सकते हो। ऊपर आपको ज़्यादा हीट लगे तो आप समझ जाइए तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें मैगी जो मैंने क्रश किया था वो डाल दिया है एंड इसे अच्छे से हिलाते रहना है और इसे पका लेना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो आप इसे ऐसे डाल के मत छोड़िए वरना ये पूरा नीचे से जल जाएगा। आप इसे थोड़े थोड़े देर में हिलाते रहिए तो क्या होगा कि हर जगह से इवेनली कुक होगा ये। तो ऐसे ही हमें चलाते रहना है इसे, तो धीरे धीरे इसका कलर चेंज होगा। अब देखिए इसका थोड़ा सा कलर चेंज लग रहा है, तो बस आप इसको पकाने में आपको थोड़ा मेहनत लगेगा 15-20 मिनट्स का, बट लाइक ये मेहनत वेस्ट नहीं है, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा खाने में। तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई एक बार तो कर ही सकते हो। देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है, तो ऐसे ही हमें अच्छे से हिलाते रहना है ताकि सब जगह से इसका कलर चेंज हो जाए। देखिए ऑलमोस्ट हो चुका है, तो आप इसमें अभी मैगी मसाला ऐड कर लेंगे तो क्या होगा कि ये सब इसमें चिपक जाएगा, बाद में ऐड करेंगे तो उतना अच्छा से इसमें चिपकेगा नहीं, थोड़ा तेल भी है इसमें तो मसाला अच्छे से चिपक जाएगा। मैं इसमें एक ही पैकेट यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो दोनों यूज़ कर सकते हो, आपको बहुत पसंद है मैगी का मसाला। तो मैं इसमें डाल रही हूँ और इसे अच्छे से हिला लूँगी। मिक्स करने के बाद ये ऑलमोस्ट हो ही चुका है, फिर मैं स्टोव फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। और हाँ, मैंने इसे एकदम मीडियम लो फ्लेम में पकाया है। आप मीडियम या हाई में रखोगे तो ये बहुत जल्दी जलने लगेगा, तो आप स्लो में पकाइए तो ये अच्छे से पक जाएगा। अब मैं इसे दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ जिसमें मुझे चाट बनाना है। थोड़ा ठंडा होने के बाद कीजिएगा, इतना गर्म में बनाना सही नहीं है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ प्याज और टमाटर लिया है, आप चाहे तो बॉइल पोटैटो या फिर चना वगैरह आपको पसंद हो तो आप वो भी डाल सकते हो, बट इंस्टेंट बनाना चाहते हैं तो ये चीज़ आपको इजीली मिल जाती है तो इजी रहता है बनाने में। मैंने यहाँ पे प्याज डाला है एंड ये टमाटर, मैंने 1 टमेटो लिया था उसे चॉप कर लिया है एंड ऑनियन भी छोटा वाला मैंने लिया था एंड मैं इसमें अराउंड 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। मैं यहाँ ग्रीन चिली यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप वो कर सकते हो, अगर आप ग्रीन चिली यूज़ कर रहे हो तो रेड चिली मत डालिए। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, मैंने 1/2 टीस्पून डाला था एंड देन ये जीरा पाउडर है जो जीरा को भून के पाउडर बनता है वो, एंड मैंने 1 टीस्पून लेमन जूस लिया है एंड मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये ऑलमोस्ट हो चुका है, बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि हमने जो नमक वगैरह डाला है ये अच्छे से सब में चिपक जाए। ये हो गया है तो हम इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये रेडी है खाने के लिए। आप चाहे तो ये मैगी जो आपने पकाया था लाइक सेलो फ्राई किया था उसे अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में 1-2 दिन रख सकते हो। तो देखिए ये रेडी है, आप
ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।